नमस्कार जयतु भारत जीएसटी एंड अदर लॉस डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर रेगुलेशंस 2021 जारी किए हैं स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज इन दोनों ही स्कीम की प्रक्रिया को समझने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर रेगुलेशंस 2021 के प्रावधानों को समझना आवश्यक है यह रेगुलेशंस कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 51 बी और सेक्शन 157 के अंतर्गत जारी किए गए हैं सेक्शन 51 बी लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट के संदर्भ में है इस सेक्शन के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्पेसिफाई कर सकती है कि ड्यूटी क्रेडिट किस प्रकार जारी की जाए और यह ड्यूटी क्रेडिट किसके लिए होगी तो ड्यूटी क्रेडिट कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोसेसिंग करने के लिए जो मटीरियल उपयोग में आया है उस पर लगने वाली ड्यूटी टैक्सेस और लेवी को रेमिट करने के लिए या उस गुड्स पर कोई भी प्रोसेसिंग या कोई ऑपरेशंस करने के लिए जो भी ड्यूटी टैक्सेस और लेवी लगे हों उसके लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जारी किया जा सकता है या कोई अन्य फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए भी ड्यूटी क्रेडिट स्कीम जारी किया जा सकता है यह जो ड्यूटी क्रेडिट जारी किया जाएगा वह कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर के रूप में मेंटेन किया जाएगा और इस प्रकार का ड्यूटी क्रेडिट कस्टम्स एक्ट 1962 या कस्टम्स टेरिफ एक्ट 1975 के अंतर्गत जो ड्यूटी भरनी है उसके लिए उपयोग में लिया जा सकता है इसी के अनुसंधान में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट एंड कस्टम्स ने 23 सितंबर 2021 को इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर रेगुलेशंस 2021 जारी किए हैं इन रेगुलेशन में जो डेफिनेशन दी है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन को देखें तो क्लेम की डेफिनेशन यह दी गई है कि शिपिंग बिल में हर आइटम के सामने जो डिक्लेरेशन दिया है कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर उसे ही क्लेम माना जाएगा और इसके लिए कोई अलग से क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है ड्यूटी क्रेडिट किसे कहा जाएगा तो जो क्लेम किया है एक्सपोर्टर ने शिपिंग बिल के अंदर उसके सामने कस्टम्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो क्रेडिट दी जाती है उसी को ड्यूटी क्रेडिट कहा जाएगा ई स्क्रिप्ट का अर्थ यह दिया गया है कि जो कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 28 ट्रिपल कैपिटल ए उसके एक्सप्लेनेशन वन में जो दर्शाया है वही डेफिनेशन यहां पर भी लागू होगी सेक्शन ट्वेंटी एट ट्रिपल कैपिटल ए का एक्सप्लेनेशन वन दो तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है एक जो ऑथोराइजेशन लाइसेंस या सर्टिफिकेट फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत जारी किया जाता है और दूसरा जो ड्यूटी क्रेडिट सेक्शन फिफ्टी वन बी ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत जारी किया जाता है इस प्रकार का ड्यूटी क्रेडिट वह रिवार्ड और इंसेंटिव स्कीम भी हो सकती है या ड्यूटी स्कीम स्कीम हो हो सकती है, हो सकती है ड्यूटी रेमिशन एक्सम्सियल या फिजिकल बेनिफिट दिया गया हो तो इनमें से कोई भी प्रकार की स्कीम हो तो वह ई e स्क्रिप्ट के दायरे में आ जाएगी स्कीम की डेफिनेशन में स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सीज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट और स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज ये दोनों प्रकार की ही स्कीम इन रेगुलेशन में स्कीम की डेफिनेशन के अंदर सम्मिलित कर दी गई है जो भी शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट 1 एक जनवरी 2021 के बाद प्रस्तुत किए गए हैं और जिनमें दोनों ही स्कीम में से किसी भी स्कीम का ड्यूटी क्रेडिट का क्लेम है उसे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा एक बार यदि एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल हो जाए उस शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल हो जाए उसके बाद में कस्टम्स के द्वारा उस क्लेम को मंजूर किया जाएगा इन स्कीम के जो भी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस है उनको ध्यान में रखते हुए हर स्कीम के लिए अलग स्क्रोल जनरेट किया जाएगा कस्टम्स के प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा स्क्रोल की जो भी डिटेल्स है जिसमें शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट की डिटेल कितनी ड्यूटी क्रेडिट अलाउ की है और कौन सी तारीख को स्क्रोल जनरेट हुआ है यह सारी डिटेल्स एक्सपोर्टर को कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम पर विजिबल होगी वह अपने सिस्टम्स के आधार पर देख सकता है उसके लिए कस्टम्स की ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है रेगुलेशन फोर के अनुसार एक्सपोर्टर के पास ऑप्शन है कि वह एक साल के भीतर भीतर अपना यह ऑप्शन एक्सरसाइज करवा सकता है जिसके तहत एक से अधिक शिपिंग बिल का ड्यूटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करवा के कस्टम्स स्टेशन वाइज और हर स्कीम वाइज एक ई e स्क्रिप्ट वह जनरेट करवा सकता है यदि एक्सपोर्टर यह ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है तो हर स्क्रोल के लिए हर स्कीम वाइज और कस्टम स्टेशन वाइज अलग अलग ई स्क्रिप्ट जनरेट होगी और उसका कब वो क्रिएट हुई उसकी डेट होगी और सारे ट्रांजेक्शन उस ई e स्क्रिप्ट से रिलेटेड उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और डेट से ही आगे फिर किए जाएंगे जिस कस्टम स्टेशन से एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया है उसी कस्टम स्टेशन पर ई e स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड हो जाएगी और यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी ई e स्क्रिप्ट को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक्सपोर्टर को कोई अलग से एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ई e स्क्रिप्ट में उपलब्ध ड्यूटी क्रेडिट कस्टम्स टेरिफ एक्ट नाइनटीन के फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाई गई कस्टम्स ड्यूटी को भरने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है इसके अलावा और किसी ड्यूटी भरने के लिए ई e स्क्रिप्ट का उपयोग नहीं किया जा सकेगा ई e स्क्रिप्ट की वैलिडिटी जब से इसे क्रिएट किया गया हो तब से एक साल की रहेगी और यह एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर जो भी अनयूटिलाइज बैलेंस ई स्क्रिप्ट में रहा है वह लैप्स हो जाएगा वह किसी भी काम नहीं आ पाएगा एक बार यदि यह बैलेंस लैप्स हो गया तो फिर ई स्क्रिप्ट दोबारा से रिजेनरेट नहीं होगी ई स्क्रिप्ट का जो भी ट्रांजेक्शन है वह सभी ट्रांजेक्शन कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स के ऊपर एक्सपोर्टर को विजिबल रहेंगे एक्सपोर्टर इस सिस्टम पर जाकर अपने सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल्स देख सकते हैं यह ड्यूटी क्रेडिट की ई e स्क्रिप्ट ट्रांसफरेबल रहेगी और यह कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर ही ट्रांसफर हो जाएगी पहले जो विभिन्न प्रकार के लाइसेंस फिजिकल कॉपी ट्रांसफर होते थे वह प्रक्रिया नहीं रहेगी लेकिन कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर ही ट्रांसफर होगी और यह उसी व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकती है अंतर्गत इंपोर्टर एक्सपोर्टर का कोड हो जब यह ई e स्क्रिप्ट ट्रांसफर की जानी है तो उसमें पूरी ड्यूटी क्रेडिट की अमाउंट एक साथ ही ट्रांसफर होगी ई e स्क्रिप्ट में से पार्ट ड्यूटी क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को ट्रांसफर करना और बाकी की ड्यूटी क्रेडिट या तो ट्रांसफर नहीं करना या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करना यह परमिशिबल नहीं रहेगा तो पूरी ड्यूटी क्रेडिट का जो ई e स्क्रिप है वह एक साथ ही ट्रांसफर करना होगा यह पीरियड ऑफ वैलिडिटी ई स्क्रिप्ट का जो पहले बताया कि उसके क्रिएशन से एक वर्ष रहेगा वह पीरियड ऑफ वैलिडिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा यदि एक वर्ष की वैलिडिटी है और ग्यारहवें महीने में भी उसे ट्रांसफर किया गया है तो जो नया ट्रांसफरी है उसे रिमेनिंग वन मंथ के अंदर अंदर उस ई e स्क्रिप को यूज कर लेना होगा ट्रांसफर की डेट से नया एक साल नहीं गिना जाएगा जो ट्रांसफरी है जिसको ई e स्क्रिप ट्रांसफर की गई है उसे सभी ई e स्क्रिप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स पर विजिबल हो जाएंगे और वह कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम पर जाकर उस ई स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन देख सकता है यदि जिस एक्सपोर्ट के संदर्भ में ड्यूटी क्रेडिट दी गई है या जो ई e स्क्रिप्ट है उसके संदर्भ में कोई भी कस्टम्स एक्ट या उसके अंदर बने हुए रूल्स रेगुलेशन का वायोलेशन होता है तो जो ड्यूटी क्रेडिट की ई e स्क्रिप है उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है या कैंसल भी किया जा सकता है उसके लिए कौन सी प्रक्रिया करनी होगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से नोटिफाई करेगी आज के अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं जय हिंद